हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन माय चैनल जिसका नाम है प्रो प्रोग्रामिंग। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मैसेज बॉक्स में एडवांस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में MSG बॉक्स के बारे में यानी कि मैसेज बॉक्स की शॉर्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपसे डिस्कस किया था, लेकिन मैं इसमें मैसेज बॉक्स की एडवांस प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये दोनों ही मैसेज बॉक्स हैं बेसिकली, लेकिन इस मैसेज बॉक्स में आर्गुमेंट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। और ये हमारा लेक्चर 7 का पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं एक बटन लेता हूँ और फिर इस बटन पर मैं डबल क्लिक करता हूँ ताकि हम कोडिंग के सेक्शन में चले जाएँ इसके। अब देखिए, मुझे यहाँ पर बस मैसेज बॉक्स लिखना है। पहले हमने MSG बॉक्स लिखा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर लिखूँगा मैसेज बॉक्स। अब बस मुझे यहाँ पर डॉट शो लगाना है, क्योंकि इस मैसेज बॉक्स को हमें शो करने के लिए डॉट शो लगाना पड़ता है। एक्चुअली मैंने कॉमा लगा दिया है, चलिए हम यहाँ पर डॉट करते हैं। अब मैं ब्रैकेट्स के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट पास करूँगा, जो कि हमारा कैप्शन, हमारा टेक्स्ट होता है, जो कि हमारे सेंटर में आता है हमारे मैसेज बॉक्स के। जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखना कि ये हमारे मैसेज बॉक्स के सेंटर में लिखा हुआ आएगा। डू यू वॉन्ट टू सेव? अब दोस्तों, उसका दूसरा आर्ग्यूमेंट है। इसके दूसरे आर्ग्यूमेंट में हमें कैप्शन यानी कि जो उसका टाइटल होता है वो हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग के रूप में पास करना है। चलिए, अब इसका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट हमें पास करते हैं, जिसमें कि हमें चूज करना है कि हमें कितने बटन्स हमारे मैसेज बॉक्स पर चाहिए और कौन से बटन्स चाहिए। चलिए, मैं यहाँ पर यस, नो और कैंसिल का बटन लेता हूँ। और दोस्तों, जो उसका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है उसमें हमें सिंबल लेना है, जो हमारे मिडल में, हमारे मैसेज बॉक्स के मिडल में टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, उससे पहले ये सिंबल, ये साइन शो होगा वहाँ पर। तो चलिए, मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का सिंबल लेता हूँ। और फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में मुझे बटन लेना है। मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स में 3 बटन लिए हैं, तो मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं कौन से बटन को डिफ़ॉल्ट बटन सेट करूँ, यानी कि एंटर प्रेस करते ही फोकस उस बटन पर होगा, क्योंकि तो इसीलिए एंटर प्रेस करते ही वो बटन भी प्रेस हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर मैं कोई बटन लेता हूँ, तो उस नंबर का जो बटन होगा फोकस ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम का उसी बटन पर होगा। एग्जीक्यूशन के समय आपको समझ में आएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। चलिए, फिलहाल यहाँ बटन 1 लेता हूँ, यानी कि हमारा फोकस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का फोकस यस बटन पर होगा। एंटर प्रेस करते ही यस बटन प्रेस हो जाएगा। और दोस्तों, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में हमें हमारे मैसेज बॉक्स का स्टाइल डिसाइड करना है। आप सारे स्टाइल्स एक एक करके ट्राई कर सकते हो, एक किस स्टाइल से क्या होता है। चलिए, फिलहाल हम यहाँ पर सेकंड वाला स्टाइल लेते हैं, जिससे कि जो मिडल में सेंटर में टेक्स्ट लिखा आएगा वो राइट में चला जाएगा। और दोस्तों, जो उसका लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो है हेल्प बटन के लिए, यानी कि आपको अगर हेल्प बटन चाहिए तो आप सिर्फ ट्रू कर दीजिए, ट्रू लिख दीजिए, वरना आप फॉल्स लिखोगे तो आपका हेल्प बटन मैसेज बॉक्स पर नहीं आएगा। चलिए, अब मैंने इसको पूरा कर दिया है, अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों, मैं क्लिक करने जा रहा हूँ बटन 1 पर। देखिए, मैंने यहाँ पर क्लिक किया
तो आपको तीन बटन दिखाई दे रहे हैं, रुकिए मैं आपको सही से दिखाता हूँ। बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक सिंबल आ गया है इन्फॉर्मेशन का, जो कि इस जगह पर आप देख रहे हो, और यहाँ पर तीन बटन्स हैं यस नो और कैंसिल के, जो हमने डिसाइड किए थे कि हम लेने वाले हैं। और ऊपर कैप्शन में इन्फो लिखा हुआ है, और यहाँ हेल्प बटन है क्योंकि हमने ट्रू लिखा है, तो हेल्प बटन शो हो रहा है। और डू यू वॉन्ट टू सेव, ये भी लिखा हुआ आ रहा है राइट साइड में, और फोकस हमारा यस पर है। जैसे कि मैंने बटन वन चूज करा है, यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का फोकस बटन वन पर है, एंटर प्रेस करते ही यस प्रेस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ और करके देखते हैं। इस आर्ग्यूमेंट से जो हमारा मैसेज बॉक्स है वो फ्लिप हो जाएगा 180 डिग्री। ये देखिए हमारा मैसेज बॉक्स वर्टिकली फ्लिप हो चुका है 180 डिग्री पर, यानी कि हमारा सारा टेक्स्ट और बटन्स फ्लिप हो चुके हैं। चले लेकिन इसकी एक शर्त है, जो आप ये आर्ग्यूमेंट पास करते हो इसमें सर्विस नोटिफिकेशन और डिफॉल्ट डेस्कटॉप ओनली के साथ आप हेल्प बटन नहीं दे सकते हो। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा एग्जीक्यूट करते हैं हम। जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूँगा वैसे ही इसमें एक एरर आएगी, क्योंकि हमने यहाँ सर्विस नोटिफिकेशन लिया है और मैसेज और हेल्प बटन ट्रू रखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है शोइंग अ सर्विस नोटिफिकेशन मैसेज विद बॉक्स विद अ हेल्प बटन इज नॉट वैलिड ऑपरेशन, मतलब कि हम सर्विस नोटिफिकेशन और डेस्कटॉप ओनली के साथ हेल्प बटन नहीं ले सकते हैं। चलिए इसको स्टॉप डिबगिंग करते हैं, फॉल्स करके। इस बार हमारे प्रोग्राम में कोई भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हमने हेल्प बटन सर्विस नोटिफिकेशन के साथ नहीं लिया है, और हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ही सही से एग्जीक्यूट हो गया। देखा आपने, आप सर्विस नोटिफिकेशन के साथ हेल्प बटन नहीं ले सकते हो। चलिए इसकी डीबगिंग स्टॉप करते हैं। चलिए हाँ, इस बार फोकस रखते हैं बटन 3 पर, यानी कि हमारा फोकस है इस बार कैंसिल पर। ये देखिए फोकस है कैंसिल पर, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ कैंसिल बटन प्रेस हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको मज़ा आया होगा ये प्रोग्रामिंग देखकर, ये कोडिंग देखकर। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हो अगर आपको थ्योरेटिकली सीखना है ये सब कुछ। मेरी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।